हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी एमसीक्यूज पार्ट थर्ड, जिसमें हम मेनली जो डिजीज़ के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम कवर करेंगे। गाइस, आप सब जानते हैं अभी तक मैं आपको दो पार्ट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ बायोलॉजी एमसीक्यूज के ऊपर, जिसमें अभी तक हम 40 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक देख सकते हैं और वहाँ से उन वीडियोस को ज़रूर कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, जो कि रहेगा आपका डिजीजेज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड। इजी क्वेश्चन है काफ़ी, आप सबको पता है वो डिजीजेज जो कि स्प्रेड होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल, डिजनरेटिव, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या फिर नन ऑफ द अबव। और आप सबको पता है जो आपका राइट आंसर आपने चूज़ करना है वो है आपका कम्युनिकेबल डिजीजेज, बिकॉज कम्युनिकेबल डिजीजेज आर दोज डिजीजेज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वेयर एज जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है स्प्रेड नहीं होते हैं। आप सबको इनकी डेफिनेशन पता होंगी अगर आपने हमारे लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। गाइज, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसीज ऑफ, आपको बताना है दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज़ है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से काज होता है। विटामिन ए की वजह से, विटामिन बी की वजह से, विटामिन सी या विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से। दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का होगा विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज़ है वो काज होता है। दोस्तों, हर एक विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो भी वेरियस डिजीजेस होते हैं उन सब के ऊपर हमने जो है सेपरेट वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड करी हुई है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिजीजेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, आपको बताना है दोस्तों इनमें से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सा है। तो कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर आप सब जानते हैं वो स्प्रेड नहीं होता फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। डायबिटीज़ भी जो है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र नहीं होता है। हाइपरटेंशन जो है वो भी स्प्रेड नहीं होती फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देयरफॉर द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ अबव आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। होप आप सब ने अभी तक इसका राइट आंसर मार्क करे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, वेरियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुका है। अल्जाइमर्स एंड ओस्टियोपोरोसिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ऑप्शंस हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज, डिजनरेटिव डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों, अल्जाइमर और ओस्टियोपोरोसिस जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन से डिजीजेज की एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों, जब भी हम आपने डीजनरेटिव डिजीजेस की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उनकी एग्जांपल्स में आपने ये दोनों डिजीजेस ज़रूर पढ़े होंगे। काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन कवर हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अब आपने बताना है कि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इंजरी के दौरान वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ऑप्शंस आपके पास हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। That means excessive bleeding during an injury is a deficiency of, कब जब भी कहीं आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पर आपका ब्लड जो है वो ब्लीड काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर ऐसा होता है तो वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है दोस्तों, तो वो होता है आपकी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है विटामिन के जो है वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो अगर आपकी विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग काफ़ी एक्सेसिव होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। गॉइटर और इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड्स, ये दोनों प्रॉब्लम्स आपने काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखी होंगी, तो आपको बताना है दोस्तों गॉइटर और इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड्स जैसी दो, ये जो दो बीमारियाँ हैं जो कि डायग्नोज की जाती हैं काफ़ी सारे पेशेंट्स में, ये कौन से मिनरल्स की डेफिशेंसीज की वजह से होती है। आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। चूज़ द राइट आंसर दोस्तों कि कौन से मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से गाइटर और इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड जैसी जो बीमारियां हैं या फिर जो
जो भी प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट्स में देखी जाती हैं वो कौन से मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से दोस्तों देखी जाती हैं। राइट आंसर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर होगा आयोडीन। आयोडीन जो मिनरल है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं पेशेंट्स में डायग्नोज की जाती हैं। क्लियर है गाइज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हेमोफीलिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ। सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया जो है वो कौन से डिजीज़ की एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों? मैं पहले आपको बता रहा हूँ डिजीज़ के ऊपर हमारा सेपरेट लेक्चर है, हर एक तरह के डिजीज़ को हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जाम्पल्स, तो दोस्तों उसे ज़रूर पढ़िएगा ताकि ये सभी क्वेश्चंस आपके आसानी से निकल पाएँ। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया जो है वो कौन से डिजीज़ की एग्जाम्पल्स हैं? अगर आपने लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों, इनको हम ये जो है वो हेरिडेटरी डिजीज़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हेरिडेटरी डिजीज़ के जो हैं अंदर ये आते हैं, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? आपको बताना दोस्तों कौन सी डिजीज़ जो है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा काज होती हैं। डेफिशिएंसी डिजीज, हेरिडेटरी डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज या फिर डीजनरेटिव डिजीज, बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इन्फेक्शियस डिजीज़। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के द्वारा जो डिजीज़ काज होती हैं उनको हम कहते हैं दोस्तों इन्फेक्शियस डिजीज़। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9th में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में कवर हुआ है, आपको बताना है प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से कौन से डिजीज़ काज होते हैं, अनीमिया, क्वाशिकोर, हाइपर थायरॉयडिज्म या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा यानी कि प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ काज होता है वो है क्वाशिकोर। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रोनाउंसिएशन आप दोस्तों यहाँ पर सही चेक कर लीजिएगा क्या है इसकी, तो क्वाशिकोर जो है वो आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से काज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ़ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? ये आप सबको बता होना चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड हम कौन से विटामिन को कहते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई, बताइए दोस्तों इनमें से कौन से विटामिन को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं? तो गाइस राइट आंसर आप सबका होगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, यहाँ पर हम द डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय, जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन से होते हैं दोस्तों? जो वेरियस मिनरल्स, वेरियस प्रोटीन्स, वेरियस विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से काज होते हैं उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। तो उनसे हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग, ईटिंग ओनली फ्रूट्स, ईटिंग ओनली वेजिटेबल्स, ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो होप आपको ऑप्शंस पढ़ते ही इसका जो है राइट आंसर का जो अंदाज़ा हो चुका होगा। डेफिशिएंसी यानी कि कमी, हमारे जो खाने में जो न्यूट्रिशनल कमी होती है वो हम कैसे पूरी कर सकते हैं? अच्छा खाना खाकर, ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू, ऐसा खाना खाकर जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, हम डेफिशिएंसी डिजीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अच्छा खाइए, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी अच्छी हो ऐसा खाना हमें खाना चाहिए। क्लियर है गाइज? क्वेश्चन नंबर 12th की बात करें। एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू, फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर एग्जाम्पल्स ऑफ, बताइए। डेफिशिएंसी डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, साइकोलॉजिकल डिजीज या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें से जो आपके ये एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू, फीवर एंड इन्फ्लुएंजा जो है ये कौन से डिजीज़ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? आप सबको पता चल चुका होगा ये आते हैं दोस्तों इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर। ठीक है, ये जो है कवर किए जाते हैं इन्फेक्शियस, इस एक तरह की इन्फेक्शन हम इनको कहते हैं, इनको एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू, फीवर एक्स्ट्रा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इसका तो आपको आंसर आना ही चाहिए, अभी हमने पीछे कवर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के, अभी हमने पढ़ा, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी आपको इंजरी के दौरान। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन के।
ठीक है, तो इसकी मात्रा आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स फंक्शंस एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। आपको बताना है कौन सा विटामिन जो है वो फंक्शन करता है बोथ एज ए हार्मोन भी और एज ए विजुअल पिगमेंट भी, थायामिन, रेटिनल, रेबोफ्लेबिन या फिर फॉलिक एसिड। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन कवर हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका है रेटिनल। रेटिनल जो है वो एक ऐसा विटामिन है जो कि एक हार्मोन की तरह भी फंक्शन करता है और एक विजुअल पिगमेंट की तरह भी फंक्शन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज नियासिन एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन मैनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शन। आपको बताना है कि कौन से विटामिन को हम नियासिन भी कहते हैं जिसका काफ़ी अच्छा रोल है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शन में। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 एंड विटामिन B12। दोस्तों राइट आंसर चूज करिए नियासिन जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज नियासिन, हम नियासिन कौन से विटामिन को कहते हैं बताइए। दोस्तों राइट आंसर होगा विटामिन B3। B3 जो विटामिन है इसे हम नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियासिन। तो इस तरह के जो भी वेरियस नाम्स होते हैं विटामिन के वो आपने याद रखने हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है, वीडियो देखिए, उसमें से आपको सभी क्वेश्चंस और सभी डाउट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे और हर एक विटामिन का आपको जो नाम है, अलग अलग नेम है, वो भी आपको पता चल जाएंगे दोस्तों। तो आज हम 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर अपने कंक्लूड करते हैं। पार्ट थर्ड हमारा जो है बायोलॉजी MCQs का यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं। आज हमने 15 क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रोवाइड किए। कमेंट्स में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों, और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आपकी कोई सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं गाइस। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड वर्क हार्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। PDF दोस्तों आपको कहाँ से मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस से। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम वेरियस क्विजेस आपको प्रोवाइड करते हैं, PDF आपको प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी हेल्प होगी आपके हमारे टेलीग्राम चैनल से। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।